1997 में जेपी दत्ता की फिल्म आई थी बॉर्डर। उसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर सेना में होता है। सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान, उनकी शादी तय होती है पंजाब के एक पिंड गांव में रहने वाली कमला पूजा भट्ट के साथ। दोनों साथ में आम खाते हैं, गाना गाते हैं, प्यार की बातें करते हैं और फिर एक दिन रेडियो बजता है कि लड़ाई छिड़ गई है, छुट्टी पर गए सारे सैनिक वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करें। अक्षय खन्ना भी लौट आते हैं और फिर एक रात जंग में उनकी जान चली जाती है। घर पर कम धर्मवीर का रास्ता देखती रह जाती है। बीएसएफ के जवान विजय पांडे के साथ ऐसा ही हुआ। 3 जून 2018 जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की। ये रात के तकरीबन 2:30 बजे की बात होगी। बीएसएफ के दो जवान इसकी चपेट में आकर शहीद हो गए। एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्य नारायण यादव, दूसरे कांस्टेबल विजय कुमार पांडे। विजय पांडे की शादी होने वाली थी, 20 जून की तारीख पक्की थी। शादी के कार्ड बन चुके थे, 5 जून से उनको छुट्टी पर जाना था, लेकिन इसके 2 दिन पहले ही वो शहीद हो गए। ये बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल की शादी का कार्ड है। 16 जून को तिलक था, 20 जून को शादी थी। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को राजी हुए थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सठिगवा नाम का गांव है, यहीं के रहने वाले थे विजय पांडे। घर पर प्यार से लोग उनको मोनू कहा करते थे। 1992 की पैदाइश थी उनकी। 2012 में वो बीएसएफ में गए। जम्मू के अखनूर सेक्टर में परगवाल नाम का इलाका है, पाकिस्तान से लगी सीमा से सटा हुआ। इन दिनों यहीं पर पोस्टेड थे वो। 3 जून की देर रात को एकाएक जब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा तो गोली विजय पांडे को भी लगी। वो घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अभी एक हफ्ते पहले ही भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में समझौता हुआ था। दोनों पक्ष 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते को मानने पर राजी हुए थे। खबर आई थी कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने ही अपील की थी। जब घर पर फोन गया तब माँ सफाई कर रही थी। बीएसएफ ने जब विजय पांडे के घर उनकी शहादत की खबर देने के लिए फोन किया तब विजय की माँ घर की सफाई में लगी थी। फोन वहीं पास की अलमारी में रखा था। माँ ने फोन उठाया, पूरी बात सुनने से पहले ही वो समझ गई कि बेटे की खबर आई है, वो बेहोश होगी। फोन के दूसरी तरफ बीएसएफ के अधिकारी बड़ी देर तक हेलो हेलो कहते रहे। उनके पिता की हालत वैसी ही है जैसी जवान बेटे की लाश देखने वाले किसी भी पिता की होती है। हजारों पुरानी यादें, इतना बड़ा था तो ये करता था, जैसे ये एक याद जो उनके पिता ने बताई। विजय 10 साल का था। जैसा आम का मौसम इन दिनों है वैसे मौसम में रोज दोपहर घर से भाग जाता, लौटा था किसी के बाग से आम तोड़कर। माँ जैसे ही उसको देखती उसके पीछे दौड़ती। नीम के पेड़ के पास मैं बैठा रहता था, वो दौड़कर आता और मेरे पीछे छुप जाता।